डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, द प्रॉपर्टी विच इंक्रीज और डिक्रीज विथ रेगुलर इंटरवल कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा कि ऐसा प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर ये एक पीरियोडिक टेबल है, ये मैं शॉर्ट में ड्रॉ किया अभी, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहे, दैट इज रो। और पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स और रो है? 7 रहते। ग्रुप और कॉलम कितने प्रेजेंट है? 18, जो मैं मतलब इससे पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन किया, बराबर है। ग्रुप और कॉलम है बेटा इसमें 18, रो और पीरियड्स ये है 7। तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसा प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, मान लीजिए अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस देखेंगे, है ना, तो अलोंग द पीरियड ये डिक्रीज होता। एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज होता, क्या उसके लिए कंडीशंस है, वो मैं आपको सारी कंडीशन बताऊंगा। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस ये इंक्रीज होता, मतलब रेगुलर इंटरवल के साथ, ठीक है ना। एक तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब अगर हम यहां पर अलोंग द पीरियड बात करेंगे, अलोंग द पीरियड, ओके, तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई आपको मैं समझाने के बता रहा, डिक्रीज होता अलोंग द पीरियड, एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होता, लेकिन एक्सेप्शन भी है उसमें, वो भी समझाना है आपको, नोबल केसेस अलग, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे, टॉप टू बॉटम ग्रुप में, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडाई ये इंक्रीज होता, एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होता, और इसी को बताएंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी पूरा एक्सप्लेन करना बाकी है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया हूं कि द प्रॉपर्टी विच इंक्रीज और डिक्रीज विथ रेगुलर इंटरवल, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं हम एटॉमिक रेडाई किसको बोलेंगे, एटॉमिक रेडाई। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडाई, तो बेटा ध्यान से देखिएगा एटॉमिक रेडाई किसको बताते हैं, और ये डेफिनेशन हमारा 9-10 क्लास का है, 8-9-10 क्लास। देखिए, ये है न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, ओके, और 9-10 में आपको ये पढ़ाया गया होगा क्या, इसके अराउंड में शेल होता है और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, जो रेडियस रहेगा, बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडाई। तो ध्यान से देखिए, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडाई, ठीक है ना। बट ये जो डेफिनेशन है, ये 9, 10 और 8 क्लास तक के सीमित थी, वैलिड थी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक सजेशन बताए हैं, बोहर्स वगैरह ने, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में अपने शेल में वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होता है, यह न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, और यहां पर है बेटा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में, है ना।
तो यहां पर हम देखिए क्या एटॉमिक रेडाई का जो डेफिनेशन है इस टॉपिक के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बता दिए हमने यहां पर, सर यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को वेव बता दिए, बराबर है ना। तो चलिए अब 11 12th में जो हमारे बोर्ड में ठीक है नीट में JEE में जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो एटॉमिक रेडाई से नहीं दिया हुआ है, बल्कि वो दिया हुआ है आपको कोवेलेंट रेडाई से, आयोनिक रेडाई से, मेटलिक रेडाई से और वंडरवाल रेडियस से, ठीक है। मतलब वहां पर क्या बताया उसने, क्या एक एटम दूसरे एटम से बंधेगा, मान लीजिए यहां पर ये हमने एक ही एटम की बात किए थे, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस, इसके अराउंड में शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये डिस्टेंस, ओके। लेकिन आगे जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और अभी मैं जो जस्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, तो यहां पर बेटा हम ये पढ़ेंगे क्या एटम जो है ये इसमें बॉन्डेड स्टेट में रहेगा, कौन से स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में। अब बॉन्डेड स्टेट में कैसे रहेगा ध्यान से देखिएगा, एक एटम ए मान लीजिए आप और दूसरा एटम ए, बराबर, एक एटम ए और दूसरा एटम ए, ठीक है। तो यहां पर आपको एक एटम का न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इसका डिस्टेंस नहीं बताना है, बल्कि जब यहां पर दो एटम एक दूसरे से बंधेंगे, ये बांध लिया हमने यहां पर दो एटम को, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला डिस्टेंस, ये रेडियस, बराबर है ना। मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ ए ए बाय टू, इसको डिवाइड कर देंगे दो से, दैट इज कोवेलेंट रेडाई, क्या रहेगा, कोवेलेंट रेडाई। अभी हम एक एक पॉइंट डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, मतलब यहां पर जब भी हम अब रेडियस की बात करेंगे तो एटॉमिक नहीं रहेगा, बल्कि एक तो कोवेलेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर रहेगा, आयोनिक रहेगा और वंडरवाल रेडियस रहेगा। क्यों नहीं रहेगा एटॉमिक रेडियस, सर एटॉमिक रेडियस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की फॉर्म में है, है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में है तो यहां पर हम इसका फिक्स एटॉमिक रेडियस कितना रहेगा वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन सारे टॉपिक को समझने के लिए हमारे को ये रेडियस पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा आयोनिक रेडाई, ध्यान से देखिए बेटा आयोनिक रेडाई, ठीक है ना। सेकंड समझेंगे हम कोवेलेंट रेडाई, कोवेलेंट रेडाई। थर्ड है सर मेटालिक रेडाई और वंडरवाल, वंडरवाल वॉल्स रेडियस रेडाई, वंडरवाल रेडाई, ध्यान से देख लो आप। चार रेडियस का हमारे को डिटेल स्टडी करना है और इसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे इजी टू हार्ड की तरफ जाए। देखिए बेटा आयोनिक रेडाई, कोवेलेंट रेडाई, मेटलिक रेडाई और वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक पॉइंट, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, एक जनरल ट्रेंड्स ये बोलता है, समझ लीजिए आप पहले, जनरल ट्रेंड्स ये बोलता है कि अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडाई में आपको कोवेलेंट रेडाई में समझाओगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं आयोनिक रेडाई का डिटेल पॉइंट्स, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसकी बात कर लेंगे आयोनिक रेडाई, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। एक मैंने यहां पर लिखा हूं एटम, मान लीजिए हमने M लिखे हैं और इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो M पॉजिटिव प्लस वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे तो इसका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। मतलब यहां पर ये जो एटम है ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम इसी एटम पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये M नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा, वो तो आपको पता है जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना, तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये है आयनिक रेडाई, मतलब एक तो केटायन का ले सकते हैं हम, बराबर पॉजिटिव चार्ज आ रहा फिर, या फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा। अब सवाल ये है क्या इसमें रेडियस सबसे ज्यादा किसका रहेगा, एनायन का रहेगा कि केटायन का रहेगा, थोड़ा सोचिए आप। देखिए सबसे ज्यादा रेडियस होता है इसमें एनायन का, ठीक है, फिर उसके बाद में एटम और उसके बाद में केटायन। ऐसा क्यों होगा ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन हम कहीं बाहर से ला करके एड कर रहे तो शेल इंक्रीज हो रहा है, इसमें मतलब रेडियस इंक्रीज होगा,
बराबर ना, लेकिन इसके शेप पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए एटम रिड्यूस्ड हो रहा, इसमें एटम रिड्यूस्ड हो रहा और यहां पर एटम एक्सपांड हो रहा और इस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमेशा, ठीक है, एन आयन का रेडियस ज्यादा होता है उससे कम रहेगा एटम का, और सबसे कम रेडियस होता है केटायन का, सबसे कम रेडियस होता है केटायन का। अब इसमें मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं ध्यान से देखना, अलोंग अप्रिएट, अलोंग अप्रिएट एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस एक्सेप्ट 18 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में ध्यान से देखिएगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडाई ये इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडाई ये इंक्रीज होगा, और यही मुझे आपको क्वेश्चन जस्ट सॉल्व करवाना है। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया आपको, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई, ध्यान से देखिए, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई, ठीक है, आयोनिक रेडियस को हमारे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहां पर हमने हाइड्रोजन एटम लिखे, सेकंड एच पॉजिटिव लिखे और थर्ड लिखे है बेटा एच नेगेटिव, ठीक है, यहां पर ये आपको ऑप्शन दिया मान लीजिए, और इसमें बोला कि इसमें सबसे ज्यादा रेडियस किसका रहेगा, जबकि एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, मतलब यहां पर प्रोटॉन की संख्या सेम है, और प्रोटॉन की संख्या सेम है मतलब यहां पर देखो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बोलते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है इसका आयनिक रेडाई, तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडाई रहेगा सी वाला सर, क्योंकि एन आयन है, एन आयन का रेडियस ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद में नंबर आएगा किसका, एटम का, बी ए वाला आएगा सर। ओके, और सबसे कम रेडियस रहेगा बी वाले का। ओके चलिए, ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप, सेकंड सेम क्वेश्चन, ये आपको बार बार लिखना है, मैं ए ऑप्शन लिखा हूं बेटा, इसमें देखिए एन ए पॉजिटिव, बी है एम जी डाई पॉजिटिव, सी है ए एल प्लस 3। ध्यान से देखिएगा, इसमें खास बात क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, मतलब यहां पर प्रोटॉन जो है कितने हैं 11 है सर, प्रोटॉन की संख्या 11। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, ओके, प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें 12 है सर। एल्युमिनियम 13 है, प्रोटॉन की संख्या पी पॉजिटिव यहां पर सर 13 है, ठीक है। थोड़ा सोचिए आप, यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कितने प्रोटॉन है 11, यहां पर 12 और यहां पर 13, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, क्या अलोंग अब पीरियड, अगर हम पीरियड में जाएंगे, अब कौन सा पीरियड की बात करते हैं, यहां पर देखिए ये वाला है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, अलोंग अब पीरियड आयनिक रेडाई और अलोंग अब पीरियड एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस, बराबर है। अब पीरियड में एटॉमिक रेडाई डिक्रीज हो रहा मतलब एटॉमिक रेडाई ज्यादा किसका रहेगा, इसका रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, ध्यान से देखिए आप, मतलब यहां पर सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन है, तो ये 11 प्रोटॉन का पोटेंशियल कम रहेगा एज कंपेयर टू 12, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज होगी, और इसका पोटेंशियल कम रहेगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, क्योंकि इसके पास में 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहे, 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहे और 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो सबसे खतरनाक कौन खींचेगा, 13 वाला, कौन से वाला 13, उससे कम 12 वाला और सबसे कम 11 वाला, बराबर है। मींस इनडायरेक्टली इसका शॉर्ट मीनिंग ये आ रहा कि अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ए फिर बी रहेगा और फिर सी रहेगा, ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।
हाँ ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। अभी तो हम आयनिक रेडाई की बात कर रहे हैं, उसके बाद में मैं आपको एटॉमिक रेडाई समझाऊंगा, मींस कोवेलेंट रेडियस की हम बात करेंगे, मेटलिक रेडियस, ये सारे पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे क्या डिटेल एक्सप्लेन कर दे, मतलब वन टाइम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी इसके मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है आयनिक रेडाई के लिए, क्या साइज ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज दैट इज एनायन ओके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। साइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा एटम पर उतना बड़ा उसका साइज होगा सर ओके, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना कम साइज होगा, यही इसका मीनिंग हो रहा। और यही आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा मैंने, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई। ध्यान से देखिए, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई। ध्यान से देखिएगा बेटा, n-1, n-2, n-3 ओके। सेकंड सेम क्वेश्चन है बेटा, देखिए ए लिखे हमने ओ पॉजिटिव, बी लिखे हैं ओ, सी लिखे हैं ओ नेगेटिव, डी लिखे हैं ओ टू, हाँ ओ डाई नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई, ठीक है। ए लिखे बेटे इसमें एफ, बी लिखे हमने एफ नेगेटिव और सी लिखे हैं एफ पॉजिटिव, भले ये एग्जिस्ट नहीं होता आपको समझाने के लिए बता रहा ओके। ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई, सिंपल सी बात है, सभी पर चार्ज कौन सा है नेगेटिव। अब जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा उसका रेडियस सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रेडियस कौन सा वाला आएगा, नाइट्रोजन आएगा सर, सी एन माइनस थ्री वाला, फिर बी वाला आएगा सर, फिर ए वाला ओके। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा रेडियस किसका रहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला एनायन का, दो एनायन है, एक एटम है और एक केटायन है, ठीक है। अब एनायन में आपको चार्ज देखना है, सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, ओ टू डाई नेगेटिव वाला, तो डी आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला तो डिक्रीजिंग बता रहा मैं आपको, फिर सी आ जाएगा बेटा, फिर बी आ जाएगा और फिर ए आएगा। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर, क्या हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर ओके। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसमें एनायन ये है सर, ये एटम है और ये केटायन है, मतलब बी रहेगा, फिर ए रहेगा और फिर सी रहेगा, ये हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है सर ओके, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एल आई पॉजिटिव, एल ए पॉजिटिव, सी है बेटा के पॉजिटिव और डी है आर बी पॉजिटिव ओके। चलिए और एक लिख लेता हूं मैं, ई वाला सी एस पॉजिटिव। देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब लिथियम सोडियम है ना, पोटेशियम रुबिडियम सीशियम और फ्रांशियम, ध्यान से देखिए टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है इसका, है ना, 3, 11, 19, 37, 55 और यह 87। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने की तरफ है ना, तो यहां पर इसका हमेशा आयनिक रेडाई इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज इंक्रीज इन शेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, बराबर है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शेल इसके रहेंगे बेटा, भले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा है ना शेल इसके पास में रहेंगे, फिर आर बी रहेगा, फिर के रहेगा, फिर एन ए रहेगा, फिर एल आई रहेगा। तो इसका ऑर्डर सर हम ऐसे लिख देंगे, ई डी सी बी और यह ए, ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर ओके। सेम क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर ओके, ए लिखे बेटा हमने बी ई डाई पॉजिटिव, बी लिखे हैं देखिए बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और रेडियम ओके। ध्यान से देखिए बेटा, 4, 12, 20, 38, 56 और यह 88 ओके। देखिए बी ए डाई पॉजिटिव, नेक्स्ट है इसमें सी ए डाई पॉजिटिव ओके और डी है एम जी डाई पॉजिटिव। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने,
क्या आयोडिक रेडाई जो है टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होता। अब यहां पर आपको देखना है कि सबसे बॉटम में कौन से वाला एलिमेंट है, बेटा इसमें बेरियम, हाँ सर बी वाला ऑप्शन, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर क्या है सर, उसके ऊपर कैल्शियम है हमारे ऑप्शन के हिसाब से सी, ठीक है ना, फिर क्या है डी एम जी और फिर है ए बीई बेरिलियम, बीई क्या रहेगा बेरिलियम, ठीक है ना, यहां तक क्या आप समझ गए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको। देखिए मतलब आयनिक रेडाई सबसे ज्यादा किसका रहेगा, बी वाला, फिर सी ये जो ऑप्शन दिख रहा आपको डी, और सबसे लीस्ट सबसे कम है ना किसका रहेगा आयनिक रेडाई बीई डाइपॉजिटिव का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए सेम क्वेश्चन, ओके सेम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको मतलब सेम क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, यहां लिखा मैंने ए ऑप्शन सी आर डाइपॉजिटिव, बी लिखे हमने सी आर प्लस थ्री, ठीक है सी लिखे हैं सी आर प्लस सिक्स और डी लिखे हैं सी आर प्लस फोर। और क्वेश्चन आपको पूछ लिया एग्जाम में, मान लीजिए क्या यहां पर एटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, आयन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें केटायन है, एनायन है या फिर एटम है, एनायन नहीं है सर, एटम नहीं है, सिर्फ केटायन है, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ओके। अब जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा उसका साइज सबसे कम रहेगा, बराबर है, मतलब उसका रेडियस सबसे कम रहेगा, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम किसका है वो देखिए आप, क्योंकि इनवर्स ने बताया मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज, ए वाला ऑप्शन सर सबसे ज्यादा एलिमेंट है, फिर बी वाला आ जाएगा, ओके फिर डी वाला आ जाएगा, ओके और फिर सी वाला आएगा, कौन सा आएगा सी वाला, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई, ओके। अब हमने यहां पर ए ऑप्शन लिखे हैं बेटा एम एन डाइपॉजिटिव, बी लिखे हैं एम एन प्लस फोर, सी लिखे हैं एम एन प्लस सिक्स और डी लिखे हैं एम एन प्लस सेवन, डी लिखे हैं सर यहां पर हमने एम एन प्लस सेवन। और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया क्या इसको आप अरेंज कीजिए, मान लीजिए ऐसा कि इसको अरेंज कीजिए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक रेडाई के, ठीक है। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है सर, ओके मतलब एम एन का। तो हमने यहां पर एक काम किया बेटा, ध्यान से देखिएगा ये वाला टॉपिक देखिए, ए वाला आ जाएगा सर, ओके फिर बाद में क्या आ जाएगा बी आएगा, ओके फिर सी आएगा और फिर डी, ये होगा इसका आयनिक रेडाई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर। सबसे ज्यादा आयनिक रेडाई एम एन डाइपॉजिटिव करेगा, फिर एम एन प्लस फोर का रहेगा, फिर एम एन प्लस सिक्स का रहेगा और फिर एम एन प्लस सेवन का सबसे कम आयोनिक रेडाई होगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ चलिए बेटा ध्यान से देखिए, तो यहां से आपको कंसेप्ट ये समझ में आया क्या आयोनिक रेडाई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडाई की, है ना, और अगले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं एटॉमिक रेडाई को शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं उसके, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाना, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, हाँ एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई की अगर हम बात करेंगे, एटॉमिक रेडाई मतलब कोवेलेंट रेडाई, मॉलिक्यूलर कोवेलेंट रेडाई, उसके बाद में वंडरवाल रेडाई और मेटलिक रेडाई, कौन कौन से बाकी है सर, एक बाकी है वंडरवाल, वंडरवाल रेडाई, मैं इसको वी रेडाई लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद में कोवेलेंट, चलिए वंडरवाल लिख दिया हमने शॉर्ट में, वंडरवाल, ओके रेडाई, फिर कोवेलेंट रेडाई और मेटालिक रेडाई, कोवेलेंट रेडाई और मेटालिक रेडाई। ध्यान से देख लो बेटा,
ये अभी समझाना बाकी है, अभी मैं आपको जस्ट टॉपिक ये बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि कोवेलेंट रेडाई क्या होगा, उसका डेफिनेशन कैसा है, क्या है, किन किन मॉलिक्यूल में हो सकता है, वंडरवाल रेडाई क्या रहेगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात है, क्या वंडरवाल रेडाई जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में रहता। मान लीजिए हीलियम एक एटम और ये सेकंड हीलियम एटम, ये यूज किए हमने, इसके बीच में जो रेडियस रहेगा इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एटम यहां पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना, तो ये रहते वंडरवाल फोर्स। क्या होगा? वंडरवाल फोर्स, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको डिटेल समझाना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा, कोवेलेंट रेडाई, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिखा हूं बेटा, है ना, और ये सेकंड हाइड्रोजन एटम, जब ये एक दूसरे से आकर के इस तरह ज्वाइन हो जाएगा तो इसका रेडियस नजदीक आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होगा, कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है ना। उसके बाद में है मेटेलिक रेडाई, कौन सा है? मेटेलिक रेडाई, ठीक है। अब मेटेलिक रेडाई कैसा रहेगा वो भी मैं आपको समझ देता, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले आप मेटेलिक रेडाई क्या है, आयनिक रेडाई क्या है, कोवेलेंट रेडाई क्या है, इसको हमारे को डिटेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम ऑर्डर के हिसाब से बात करेंगे ना, तो ये मेटेलिक वाला पहले आता है, उसमें मेटेलिक रेडाई और कोवेलेंट रेडाई सबसे कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। समझाना है आपको, ये कोवेलेंट की मैं एग्जांपल बताया, और मेटेलिक की ये रहेगी कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको, एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई देखिए क्या है, क्या जब भी हम अलोंग अ पीरियड बात करेंगे, अलोंग अ पीरियड, ठीक है, तो एटॉमिक रेडाई हमेशा बेटा डिक्रीज होगा, कहां? पीरियड में। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे ग्रुप में, टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, तो एटॉमिक रेडाई ये इंक्रीज होता है। अभी आपको ये चीजें याद रखनी है, क्यों? देखिए ये इसलिए इंक्रीज और डिक्रीज जो मैं बता रहा आपको, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम की, किसकी? हाइड्रोजन और हीलियम, तो दोनों में एटॉमिक रेडाई हीलियम का ज्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि इसके बीच में वंडरवाल रेडाई होता है। ये समझाना है आपको वंडरवाल क्या रहेगा, ठीक है। अब सेकंड वाला रो देखिए आप ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके पास में प्रोटॉन कितने हैं? तीन है सर, है ना, इसके पास में चार है, इसके पास में पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस। थोड़ा सोच के बताइए आप, मीन्स एज इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन देन न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होता। क्यों एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होगा? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज होगी, जब प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितने ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे उतना कम रेडियस होते जाएगा। मतलब इनके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडाई तो फिर इसका आना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, ड्यू टू वंडरवाल रेडाई, ठीक है। अगर आप सेकंड पीरियड की करेक्ट ऑर्डर की बात करेंगे, जैसा ये फर्स्ट पीरियड की बात किया मैंने, तो सेकंड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडाई रहेगा बेटा नियॉन का। क्यों? क्योंकि नियॉन मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल रेडाई होता है, और वंडरवाल रेडाई जो है ये सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता, मतलब यहां पर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में वही हमारा ट्रेडिशनल मेथड, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है ना। ये होगा, देखिए ये फर्स्ट पीरियड की बात है, फर्स्ट रो और पीरियड, ये है बेटा सेकंड रो और पीरियड, सेकंड रो और पीरियड। थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है ना। देखिए
अब सोडियम का एटम नंबर 11 है, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। रूल क्या बताते हैं हमारे कि एज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन देन एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस, ओके नो डाउट, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जितने ज्यादा प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, सॉरी प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा उतना कम रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर तो ये ऐसा होना चाहिए था जो मैं आपके सामने बताया हूं कि सबसे कम रेडियस जो है आर्गन का रहना था और सबसे ज्यादा रेडियस सोडियम का रहना था, क्योंकि सोडियम के पास में सिर्फ 11 प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब एटम को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए मतलब सबसे कम रेडियस जो है किसका होना चाहिए था, इसमें सोडियम का नहीं होना चाहिए था, सॉरी आर्गन का होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आर्गन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में फिर सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताया हूं एटॉमिक रेडाई का शॉर्ट टेक्निक, देखिए मैं यहां पर अभी सिर्फ तीन पीरियड की बात किया हूं, थर्ड रो, ओके थर्ड रो क्यों मालूम, क्योंकि डी ब्लॉक में अभी बहुत एक्सेप्शन है जो आपको एक एक पॉइंट्स डिटेल पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें आपको क्या क्या याद करना है। एटॉमिक रेडाई है अलॉन्ग अ पीरियड डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, क्योंकि यहां पर इसके शेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम फर्स्ट ग्रुप में बात, फर्स्ट रो में बात करेंगे तो हीलियम का रेडियस ज्यादा है, नोबल गैसेस का तो ज्यादा रहेगा, ये जो है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनका तो रेडियस ज्यादा रहेगा, नो डाउट, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अलॉन्ग अब पीरियड, पीरियड के तरफ से अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कहां से कहां हम लिख सकते हैं ऐसा, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा ये होगा, ध्यान से देखिएगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस कम होता, मतलब वो एटम जो है श्रिंक हो जाता, वो मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाएगा, ओके। तो ये टॉपिक था एटॉमिक रेडाई का, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, शायद पेज नंबर 4 है, चलिए निकाल लीजिए, ठीक है। आप बेटा ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडाई हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो मैं आपको समझाया हूं एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई, ठीक है, किस एटम का आयोनिक रेडाई सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, एनायन का सबसे ज्यादा रहता, फिर केटायन का, सॉरी फिर एटम का उससे कम रहता और सबसे कम केटायन का रहता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर एटम जो है श्रिंक हो जाता, ओके पॉजिटिव चार्ज है इसलिए, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट रेडाई कैसे निकालते हैं, मेटेलिक रेडाई कैसे निकालते हैं और वंडरवाल रेडाई कैसे निकालते हैं। क्यों हमने यहां पर आपको डायरेक्ट ऑर्डर बता दिया कि वंडरवाल रेडाई सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है ना, उसके बाद मेटेलिक रेडाई से कम होगा और कोवेलेंट रेडाई सबसे कम होता है, ठीक है, बाय।